नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ महंगा देशपुरी। बीपीएससी TRE3 पेपर लीक मामला, आज समाचार पत्र में खबर दिया गया है कि EOU के द्वारा बीपीएससी से कुछ सवाल पूछे गए हैं और इन सवालों के उत्तर जल्द से जल्द दिए जाने के लिए कहा गया है। सवाल है कि इस प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा है क्वेश्चन, ये किसे किसे पता था, कैसे प्रश्नों को लाया गया, कौन कौन से अधिकारी पदाधिकारी लगे हुए थे, यानी कहा जाए तो क्वेश्चन सेट होने से लेकर और छपने के बाद कैसे सेंटर तक पहुंचते हैं, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। इसके साथ साथ अभी सोशल मीडिया पर देखें आप तो लगातार ये खबर चल रही है कि TRE1 TRE2 में भी धांधली हुआ है, इसकी भी जांच हो। आपको हम बता दें कि गड़बड़ी जो है, मामला उजागर हुआ है TRE3 में, तो सबसे पहले तो इसका जांच होना चाहिए, अच्छे से जांच होना चाहिए। हालांकि खबरें आ रही हैं कि ब्रेक लग गया, ऊपर से मनाही हो गई कि अब ज्यादा जांच की जरूरत नहीं है। तरह तरह के मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं और एक तरह से देखा भी जाए तो जांच अब लगभग सुस्ती की अवस्था में आ गई है। और यह हमेशा होता है, बिहार में जो भी पेपर लीक होता है वो एक स्तर तक जांच पहुंचता है, उसके बाद देखा जाए तो वहां पर रुक जाता है। उसके बाद दो तीन आरोपी रहते हैं जिसकी धरपकड़ में होते होते ये मामला सारा का सारा दब जाता है। वैसा ही कुछ परिणति जो है वो TRE3 का ही होने जा रहा है और जांच एक स्तर के बाद धीमी हो जाती है, उसके बाद कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता है और धीरे धीरे यह मामला जो है ठंडा हो जाता है। तो बता दें कि TRE1 TRE2 का बीच में मुद्दा उठाकर TRE3 के पेपर लीक से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि TRE1 TRE2 में धांधली के आरोप है, आरोप लग रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, कि तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन TRE3 में ऐसा हुआ है जिसके प्रमाण EOU के पास है, लोग पकड़े गए हैं उतनी बड़ी संख्या में, तो सबसे पहले तो उन गुनाहगारों को पकड़ना चाहिए कि जो ये संगठित रूप से पूरे षड्यंत्र रचकर इतना बड़ा पेपर लीक का कांड को वो तैयार किए। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीपीएससी से कि छपाई कैसे होता है, कौन कौन अधिकारी जानते हैं, क्या क्या ये बातें। और आपको बता दें कि खबर भी चली थी, मीडिया रिपोर्ट्स में आया था कि जो पेन ड्राइव में क्वेश्चन प्रिंटिंग प्रेस को छापने को दिया गया था उसका कोड जो है बीपीएससी के अधिकारी के द्वारा ही बताया गया। हालांकि यह खबर एक दिन चला, उसके बाद इस खबर पर भी ब्रेक लग गया। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि देखिए, बीपीएससी में पिछले 1.5-2 सालों में ये SOP बना था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है कि क्वेश्चन जब सेट होके आता है, सील होके आता है जो क्वेश्चन सेट करते हैं, और उन्हें सीलबंद ही भेज दिया जाता है प्रिंटर के पास। और बीपीएससी ने नियम बना दिया था कि 4 या 5 सेट जो है वो क्वेश्चनों के रहेंगे और प्रिंटर जो है वो छपाई से पहले इन क्वेश्चनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे जिसमें जितना क्वेश्चन होना हो 100-150 वो उतना तैयार होगा और उसके बाद उसकी छपाई की जाएगी। ये इसलिए बनाया गया था कि आयोग लेवल में भी किसी को ये पता ना रहे कि कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर कोई लीक भी करता है तो वो एक बार में पूरे के पूरे क्वेश्चन को लीक नहीं कर सकता है, हाँ उसके बाद अगर प्रिंटर में पहुंचने के बाद क्वेश्चन छपने के बाद लीक होता है तो सारा का सारा दोष प्रिंटर का होगा। लेकिन यहां पर खबर चला कि पेन ड्राइव का जो है कोड दिया गया, तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीपीएससी ने जो एक SOP चल रहा था कि 4 से 5 क्वेश्चनों के सेट हम प्रिंटर को देंगे, उसे किसने बदला और एक क्वेश्चन जो है का सेट भेजा गया। क्योंकि बता दें आपको EOU का जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसमें यह कहा गया है कि जो क्वेश्चन हजारीबाग में छात्रों को रटवाए गए थे हूब बहू मिल गए, यानी कि वही 100 या 150 जितने भी क्वेश्चन हो वो सेम वही क्वेश्चन थे जो कि छात्र रट रहे थे। तो इसका मतलब, और उसमें यह भी बताया गया, खबर चला कि बीपीएससी के अधिकारी के द्वारा कोड दिया गया जो कि क्वेश्चन के लिए जो पेन ड्राइव दिया गया था,
तो इसका मतलब क्या बीपीएससी की तरफ से एक ही क्वेश्चन का सेट दिया गया? और सबसे बड़ा बात, यह फैसला आखिर किसने लिया कि हम जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी डेढ़ दो साल तक, जिसमें एक भी पेपर लीक का मामला नहीं आया, वहां पर हम चार पांच सेट भेजा करते थे, अब हम एक ही भेजेंगे, आखिर यह फैसला किन अधिकारी या अधिकारियों ने लिया? ये भी ईओयू को जानना चाहिए। आपको हम बता दें कि बीपीएससी ने 2022 से नियम बनाया था कि हम मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन भेजेंगे प्रिंटर के पास, जिसमें जिसे प्रिंटर जो है छापने से पहले सारे को मिलाकर एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, और ये पारदर्शिता के लिए, गोपनीयता के लिए काफी जरूरी भी था कि इवन क्वेश्चन सेट करने वाले को भी ये पता ना हो कि मेरा ही सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो ये चार सेट भेजने का, और बीपीएससी के द्वारा जो है वो बताया जा रहा है कि खबर आया पेन ड्राइव में कोड दिया गया, जिससे कोड को परीक्षा माफिया को दिया गया, और उसने जो है क्वेश्चन पहले ही छपने से पहले ही जो है उसे आउट कर दिया, और यही कारण था कि उस पर जो है वो QR कोड नहीं लगा हुआ था, और हूबहू वही क्वेश्चन डटवाया जा रहा था। तो इन सभी बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए, और सबसे पहले TRE3 में पेपर लीक हुआ है, TRE3 का ही अगर अच्छे से जांच हो जाएगा, सारे गुनहगार पकड़े जाएंगे, तो अपने आप TRE1 और TRE2 में अगर कोई गड़बड़ी हुई होगी तो भी उस खुलासे में निकल जाएगी। तो अभी सारा जांच TRE3 पर ही फोकस होना चाहिए, अगर यह जांच अपने मुकाम पर पहुंच जाता है तो TRE1 TRE2 में अगर गड़बड़ी हुआ होगा वो भी सामने आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, बीपीएससी से प्रश्न तो पूछे गए हैं, और बीपीएससी के द्वारा इन प्रश्न के उत्तर क्या दिए जाते हैं, जांच कहां तक जाता है, खबरें बहुत तरह की आ रही है कि अब आगे कुछ नहीं होगा, मामला सुस्त पड़ गया, ठंडा पड़ गया, आशा करेंगे हम कि ऐसा कुछ ना हो, और ईओयू जो है वो जितने भी गुनाहगार हैं उन सभी को पकड़ेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद।